जिंदगी, लव यू जिंदगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ड्यूटी नहीं है हमारा, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा चिल करने के लिए आए हैं। यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही। नजदीक में ही एक मतलब छोटा सा ऐसे डैम है, डैम तो नहीं कह सकते, ऐसे स्विच गेट है। इधर चिल करने के लिए आए हैं थोड़ा सा। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। देखो मेरे मासी क्या कर रहे हैं, आते ही चालू हो गया। चलो दिखा देती हूँ, देखो कैसे ऊपर चढ़ गया। थोड़ा मैं भी ऊपर चढ़ के देखती हूँ। ऊपर चढ़ गए, देखो ये है नज़ारा, कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत अच्छा है। जब हम लोग अक्सर हम लोग इसी जगह में थोड़ा सा मतलब फ्रेश एयर लेने के लिए या तो फिर थोड़ा सा ऐसे छोटा मोटा पिकनिक करने के लिए अक्सर आया करते हैं। पूरे 2 साल के बाद आज मैं यहाँ फिर से आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है ना इधर आके, क्या बताओ। और ये है उस पार जाने का रास्ता। दिख रहा है ना वो मासी है उधर जाके, वो क्या कर रहा है अभी। ये पूरा ऐसे गंदा पड़ा क्योंकि ना लोग इधर, ये पूरा अभी ड्राई पड़ा है। जब रेनी सीजन के टाइम ना, बारिश के टाइम इधर इतना मतलब पूरा ऐसे पानी हो जाता है ना, पानी इधर से पूरा फुल होके इधर पूरा पार होके पानी जाता है। यहाँ आना ना रेनी सीजन में जब फ्लैट होता है ना, तब और अच्छा लगता है यहाँ आने का। अभी तो बहुत अच्छा है लेकिन उतना खास नहीं है। जिंदगी, लव यू जिंदगी। किस किस को ऐसी जगह पसंद है प्लीज कमेंट करके बताओ। मुझे तो भाई बहुत पसंद है ऐसे जगह, पहाड़ियों में घूमना, कोई वाटरफॉल जाना, कहीं शांति जगह पे जाना, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है क्या ऐसे जगहों पे जाना? अगर पसंद है तो कमेंट करके बताओ। तरफ भी आप लोगों को मैं लेके जाती हूँ। ये देखिए जो लोग पिकनिक करने के लिए आए हैं ना, वो लोग ऐसे चूल्हा बना के रहे हैं। फ्लैट होने की वजह से ऐसा हो गया है, इतना खूबसूरत था ना ये, देखो कैसे हो गया। वाओ, इतना रिलैक्स। इतनी ठंडी हवा, हवा बनके, हवा प्लान है वो ऊपर ना, और भी है बहुत मतलब बहुत मजेदार जगह है ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं जा रहे, थोड़ा सा रास्ता भी बहुत खराब है। कल इधर शायद बहुत बारिश दिया जैसा लग रहा है, इनसे सेंड निकल रहा है, सेंड सुपारी का पेड़ है ये सब। चलो इस समय में मासी से मैं कुछ मतलब मजेदार सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मासी, इतना रोमांटिक सा वेदर है और बहुत अच्छा है जगह भी चिल करने के लिए।
अगर इस समय आपके साथ अगर आपके बॉयफ्रेंड साथ में होता था तो आप क्या करते हैं? एक साथ बैठ के हाथ पकड़ के बातचीत करेंगे और क्या और क्या वो है ना कुछ वगैरह 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 है, पर्सनल है सबको तो ऐसे सबको तो ऐसे नहीं बता सकते ना, ऐसे हाथ पकड़ना और बैठ के बातचीत करना सिर्फ यही बता सकते हैं ना, और वगैरह वगैरह ये तो थोड़ी बताएंगे है ना। ऊपर से भी ऊपर तो गए समारोह, घूमना फोटो क्लिक करना सब कुछ हो गया है, हमने चिल कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि पता नहीं कब बारिश देगा कोई गारंटी नहीं है, विंटर सीजन है फिर भी मॉनसून सीजन की तरह इतना बारिश दे रहा है ना, क्या वही बताओ। आएगा तो सब बर्बाद। हाँ अगर बारिश आएगा तो सब बर्बाद, हम लोग भीग जाएंगे, तो हम लोग फटाफट इधर से निकल जाते हैं। पार्टनर के साथ जैकेट पहन रही हूँ, वालों ने हमको इधर आने से मना किया था, फिर भी हम लोग इधर आ गई। घर वालों को वैसे पता तो नहीं चलेगा, पता तो अभी नहीं चलेगा, जब वीडियो अपलोड होगा ना तो ही पता चलेगा घर वालों। चोरी चोरी चिपके चिपके हुए समझा।